हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्लाउज की कटिंग जो बताना स्टार्ट किया था उसमें कटोरी की कटिंग जो है मैं उस वीडियो पर नहीं बता पाया था, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही डिटेल में बताते हुए काफी लॉन्ग हो गया है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड किया है। सो जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं कृपया फर्स्ट पार्ट में देख लेंगे, इस वीडियो पर ऊपर में आपको लिंक आई बटन पर मिल जाएगा एंड लास्ट में भी वीडियो के एंड पर आपको एंड थंबनेल मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। एंड इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कटोरी की कटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने इसमें बताने की कोशिश किया है, और इस तरीके से हम डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी कट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फर्मा कटिंग करते हैं छोटी कटोरी वहां से निकलती है और उसको हम बढ़ा के कटोरी बनाते हैं तब कहीं जाकर हम कटोरी कट कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट कपड़े पर आपको कटोरी करने का तरीका जो बता रहा हूँ, हालांकि जो ये वीडियो है मैं पेपर पर बता रहा हूँ, लेकिन ये जो फार्मूला है आप डायरेक्ट कपड़े पर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स कटोरी को हमको उरेब में काटना होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से उरेब में रखेंगे। उरेब का मतलब होता है क्रॉस या तिरछा, इस तरीके से रखना है। इसको रखते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो गला है वो यहाँ पर पूरा आ जाए और गले के आगे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और ये जो राउंड है इसके पीछे भी कुछ एरिया एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। इसको पिन से यहाँ पर अटैच कर लेते हैं ताकि जब हम मार्किंग करेंगे तो ये अपनी जगह से हटे नहीं ऐसे, एंड इसको घुमा लेते हैं ऐसे ऐसे रख लेते हैं। अब ये जो लाइन है उसको इस तरीके से सीधा आगे खींचना है ऐसे ऐसे, ये जो बस पॉइंट वाली लाइन है वो सीधी आ रही है, एंड ये वाली जो लाइन है वो है बेल्ट लाइन। इस बेल्ट लाइन को इस तरीके से आगे लेके आना है, हमारे चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसको याद रखना है कि हमने सामने की तरफ कितना लिया है ऐसा, 34 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है तो यहां पर मार्किंग कर लेना है, और यहां पर एक सीधी लाइन खींचना है जो इन दोनों लाइन पर 90 डिग्री बनाती हो, 90 अंश का कोण बनाती हो। इसको ऐसा तिरछा या इधर तिरछा नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा, ये ऐसा। अगर आपको सीधा खींचते ना बने तो आप बेक पार्ट का हेल्प ले सकते हैं। देखिए इसको यहां पे रख लीजिए ऐसे, जो हमने आर्म होल मार्क किया था उसी के सहारे इसको ऐसा रख लेना है, और यहां पर देखिए इस तरीके से हमने इसको क्वार्टरिंग डाउन किया था, वो अंतर यहां पर बना के रखना है, मिटाना नहीं है। अब यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, ये देखिए ऐसे, अब इसको हटा देंगे, एंड इसके बाद यहां पर गले की लाइन जो है हमारी इस तरीके से आ रही थी यहां पर ऐसे, इसको आगे बढ़ा लेना है। गले का डीप है 7 इंच, तो क्वार्टर इंच कम पर निशान लगाना है तभी 7 इंच पर बनकर आएगा। राउंड का शेप देना है, एंड यहां पर राउंड का शेप बना लेना है। ये जो सिलाई की लाइन है साइड पार्ट का उसको यहां पर मार्क कर लेना है ऐसे, एंड इसके बाद इसको हटा देना है। इस मार्क के हेल्प से हम यहाँ पर कटोरी बना लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कटोरी निकालने का तरीका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है उसको थोड़ा सा 1/4 इंच हम बाहर निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि जब हम पाइपिंग करते हैं तो यहाँ का कुछ हिस्सा जो है टाइट हो जाता है, तो चेस्ट अपर चेस्ट का जो ये मेजरमेंट है टाइट ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, एंड इसको यहां से लगभग 1/2 इंच
इस तरीके से तिरछा खींच लेंगे। फुल बस्ट है 36 का दसवां भाग आएगा 3.6 में हम एक या दो पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं यहां पर एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहा हूं। और कहां पर नापना है ये देखिए, ऐसे इस दिशा में नापना है 3.6 और एक पॉइंट अधिक पौने चार, ये मैंने वहां पर मार्किंग कर लिया। अब दूसरी तरफ इस एंगल पर यहां पर दूसरी तरफ नापना है एंड इस तरफ पूरा 3.6 यहां पर लेना है यहां पर, और ये जो मार्क है उसको आगे ले जाके यहां पर इस मार्क पे होते हुए लेके जाना है यहां पर ऐसे ऐसे। ये जिस एंगल पर जा रहा है उसी एंगल से इसको आगे लेके जाना है, इसको आपको यहां पर ऐसे अधिक नहीं फैलाना है, नहीं ऐसा कम करना है, इस एंगल पर लेके आना है। फुल बस्ट है 36, उसका 13 पॉइंट जो टक्स आया था 2.75 ये लेना है, तो यहां पर ले लेते हैं 2.75। ये टक्स का साइज है, इसको एक इधर और एक यहां पर और एक इस तरफ निशान लगा देते हैं। एंड फ्रेंड यहां पर ये जो लाइन आ रही है उसको थोड़ा सा ऊपर हल्का सा एक दो पॉइंट ऊपर लेके पाव इंच ऊपर लेके इस तरह से पाव इंच ऊपर लेके यहां पर मार्किंग कर लेना है। एंड यहां पर जो हमारा स्टिचिंग लाइन है मार्जिन छोड़ के, ये स्टिचिंग लाइन है यहां पर, इधर एक्स्ट्रा मार्जिन है तो हमको मार्जिन को नहीं लेना है, जितना ये हमारा साइज है तैयार साइज वहां तक मार्किंग करना है ये ऐसा। अब इसको फ्रेंच कर्व या हाथ से, इसको डायरेक्ट हाथ से भी मिला सकते हैं, मैं फ्रेंच कर्व से मिला रहा हूं यहां पर, ये ऐसे मिला देना है और इस तरफ को ऐसे मिला लेना है ऐसे। अब इसके बाद एक दो और तीन, ये तीनों साइड पर आधा इंच मार्जिन, जितना मार्जिन सिलाई में लगता है दबाव देते हैं आप उतना ही एक्स्ट्रा यहां पर मार्जिन लेंगे। मैं यहां पर आधा इंच सिलाई में दबाव रखता हूं इसलिए आधा इंच ले रहा हूं ऐसे। अगर आप कम दबाते हैं तो कम भी ले सकते हैं इस तरीके। तो इस तरीके से तिरछे वाले पार्ट पर, क्रॉस पार्ट पर पुरेब में कटोरी हम कटिंग करेंगे। शुरुआत में ये चीज आपको बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे सारे जो मेजरमेंट है और कैलकुलेशन है आपके माइंड पर जब सेट हो जाएगा तो ये आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। आगे आने वाले और भी कटिंग देखते रहिएगा, मैं इसको अच्छे तरीके से और समझाने का कोशिश करूंगा। कभी कभी कुछ पार्ट जो है एक ही वीडियो पर, कभी कभी एक ही वीडियो पर सभी चीजें समझाना मुश्किल होता है, तो कुछ ना कुछ हर वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो लगातार यूं ही हमारे चैनल की वीडियो जो है इस पर देखते रहिएगा। एंड फ्रेंड इसके बाद ये जो कटोरी कट कर निकला है इसको उल्टा करना है ऐसे और इसको अपने तरफ फोल्ड कर लेना है ऐसा। अब यहां पर लगभग 3/4 इंच पौन इंच का गेप रख के इसको ऐसा फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और यहां पर क्रीज बना लीजिए जहां से मुड़ता है मुड़ने दीजिए। एंड इसके बाद कटोरी का साइज है 6, तो ये जो पॉइंट आया है यहां पर, यहां से कटोरी का आधा
तीन इंच यहां पर रखना है और यहां पर मार्किंग कर लेना है ऐसा। और ये जो बस्ट पॉइंट है वहां से इसको ऐसा लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम यहां से नापेंगे, ये 3.25 इंच आ रहा है, आधा इंच दबाव सहित 3.25 इंच, और दबाव सिलाई में दबने के बाद ये 2.75 इंच तैयार आएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर ये जो बैक पार्ट है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हमको इस तरीके से कट करना है। यहां पर से ये वाला हिस्सा कट नहीं करना है, यहां से इस लाइन को लेके यहां पर मैच करना है। ऐसे हमारा मेजरमेंट ये है, अंदर का नहीं, इसको छोटा किया जा सकता है, इसको छोटा ऐसा रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। एंड यहां पर हम नोचेस लगा लेंगे ऐसे इस तरीके से, और यहां भी ऐसा लाइन खींच लेंगे। और जब हम इस कप को सिलेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से हल्का सा राउंड सिलेंगे ऐसे, इससे यहां पर नोक नहीं बनेगा और कटोरी का शेप यहां पर गोल आएगा। एंड इसको फोल्ड करके देखिएगा ऐसे, कटोरी को चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं, कटोरी हमारा सही बना है कि नहीं है। कटोरी का से फोल्ड करके रखिए और यहां पर देखिए ये लाइन जो है अगर ऐसा राउंड में आए तो बहुत ही बढ़िया परफेक्ट कटोरी बनता है, और ये लाइन जो है अगर ऐसा तिरछा भी आता है, ऐसा तिरछा भी आता है इस तरफ सामने की तरफ उठा हुआ इधर डाउन, तो भी चलेगा, हमारा कटोरी का शेप जो है सही है। लेकिन अगर ये वाला जो पार्ट है जहां पर टक्स बना हुआ है ये बीच से उठा हुआ आए, ऐसा उठा हुआ आए, तो कटोरी का जो शेप है वो सही नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर यह तो एक्स्ट्रा है ये दो पार्ट, या टक्स छोटा बना हुआ है। तो इस तरीके से कटोरी को चेक करना है, कटोरी को एक बार बेल्ट के ऊपर भी रख के हम चेक करेंगे। बैक पार्ट है उसमें फ्रंट पार्ट ऐसा रखेंगे ये ऐसा, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेंगे, और यहां से नाप लीजिए ये आ रहा है लगभग 2.5 इंच, तो हमारा बेल्ट साइज है 2.5 इंच। अब यहां पर लाइन खींच लेंगे ऐसा, तो 2.5 से 1 इंच ज्यादा 3.5 इंच। अब यहां पीछे हम लगभग 2.5 इंच छोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम सिलाई करते वक्त छांट लेंगे। 30 इंच कमर है तो 7.5 लेंगे फोर्थ पार्ट, इसको ऐसे आगे और ऐसे हल्का सा तिरछा इसको ले रखना है। ये देखिए यहां से हल्का सा तिरछा से खींच लेना है, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से उठा लेना है, इसको काट के हम निकाल लेंगे। अब हमारा बेल्ट कट गया है, अब इसको यहां पर रखकर चेक करना है। क्या चेक करना है देखिए, ये जो सिलाई की लाइन यहां पर आ रही है उससे इसका सिलाई का लाइन को मैच करना है ऐसे। अब इसको रखने के बाद देखिए इस तरीके से रख लीजिए ऐसे, यहां की लाइन अगर सीधी आ रही है या हल्का सा सा गहरा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है इस तरीके से उभार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहां पर कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको कम करना है। उसको कम कैसे करेंगे, यहां पर हल्का छांटना है और इस तरफ को हल्का छांटना है तब ये, और मिलाकर देखना है कि ये जो सीधी या ऐसे अंदर की तरफ आनी चाहिए, यहां पर हल्का सा गहराई बने तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद इसको इस तरीके से मैच करना है ऐसे और ऐसे।
इससे दोनों तरफ जो कटोरी हम सिलाई करेंगे तो उसका साइज जो है एक समान आएगा, नहीं तो कटोरी कभी कभी एक कटोरी 6 इंच का बनता है तो दूसरा 1.25 या 1.75 का बन जाता है, फर्क आ जाता है। तो इसको हम मैच करके सिलेंगे तो दोनों कटोरी का साइज जो है सेम बनकर आएगा। ये मैंने फोल्ड पेपर लिया है इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे। अब यहां से लंबाई ले लेंगे, 5 इंच का आस्तीन है, 5 इंच पर मार्किंग करके आधा इंच सिलाई में दबाव के लिए लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और अंदर लगभग छोटे आस्तीन में 2.5-3 इंच, तो थोड़ा आस्तीन बड़ा है तो 3 इंच यहां पर लिया जा सकता है। इस लाइन को ऐसा खींच लेंगे। हमारा जो आर्म होल है बॉडी से वो 16 है, तो 16 का आधा 8, या हमको आर्म होल चाहिए 16.5, तो 16.5 का हाफ कितना होता है 8.25। 8.25 में हम 1/4 इंच कम कर लेंगे यहां पर, और 8 को यहां पर रखेंगे और यहां पर मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से इसको राउंड का शेप दे देना है। तो जब हम इसको नापेंगे तो यहां पर आराम से हमको 8.25 मिल जाएगा। एंड मोहरी है यहां पर 12.5 इंच, तो 1/4 लेंगे और यहां पर इसको मिला लेंगे, 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे यहां पर, और इसको कट करके हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो यहां पर पॉइंट है जहां पर लाइन सिलाई की लाइन आएगी, उससे थोड़ा पहले 1/2 इंच पहले इसको इस तरीके से एक लंबी पत्ती जो होती है उस टाइप का शेप दे देंगे, यहां पर ऐसे कट करके यहां पर से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से यहां पर हमारा आस्तीन का शेप जो है बनकर आएगा। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं ऐसे। तो ये हमारा ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है।